Good morning, class 3rd. How are you all? I hope you all are fine. So, class, this is your Hindi period. Take out your Hindi literature book, Bhashapat. Now, open your book and come to page number 109. So, children, from today we are going to start our new chapter. विच इज कर्म का फल आज से हम अपना नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं उस चैप्टर का नाम क्या है कर्म का फल सो चिल्ड्रन आई एम रीडिंग प्लीज लिसन केयरफुली किसी जंगल में एक गीदड़ रहता था वह बहुत धूर्त था वह स्वयं को बहुत चतुर समझकर दूसरों का उपहास करता था इस जंगल के जीव बहुत सीधे हैं। मैं बहुत चतुर हूं यह जीव बहुत अद्भुत है इसकी गर्दन मुंह पर इसकी गर्दन मुंह पैर बड़ा है पूंछ कान और आंखें छोटी हैं। मैं इसका मजाक उड़ाऊंगा ऊंट के पास जाकर गीदड़ बोला मामा सब कुछ ठीक है ना ठीक तो है ना आप सूखी घास क्यों चल रहे हैं भांजे कहाँ कुशल है मेरा स्वामी मुझे भरपेट भोजन नहीं देता है मैं भूखा रहता हूं क्या करूं गीदड़ ने सोचा कि यह बहुत मूर्ख है यह मेरी तरह चतुर नहीं है मामा चिंता मत कीजिए आइए नदी की दूसरी तरफ टमाटर खरबूजा और खीरे के खेत सजे हैं वहाँ आनंद से खाया जाएगा ऊँट प्रसन्न होकर गीदड़ के साथ चल दिया नदी के पास जाकर गीदड़ बोला नदी पार करने के लिए मुझे आपकी पीठ पर सवार होना पड़ेगा गीदड़ ऊँट की पीठ पर सवार हो गया रात भर दोनों वहीं रहे जब सुबह हुई तो गीदड़ ने कहा मामा इस समय कृषक यहाँ नहीं है उसका घर भी दूर है अब बिना चिंता के ककड़ी टमाटर और खरबूजा खाया जाए ऊंट ने प्रसन्न होकर खाना शुरू किया उसका पेट बड़ा था परंतु गीदड़ का पेट छोटा था उसकी भूख शीघ्र ही शांत हो गई किसी जंगल में एक गीदड़ रहता था एक जंगल में किसी एक जंगल में कौन रहता था एक गीदड़ रहता था वह वह बहुत धूर्त था धूर्त मतलब चालाक था गीदड़ आप सभी को पता है चालाक ही होते हैं वह स्वयं को बहुत चतुर समझकर दूसरों का उपहास करता था वह अपने आप को क्या समझता था स्वयं को मतलब खुद को बहुत चतुर चालाक समझता था और दूसरों को क्या करता था उपहास मतलब दूसरों की बेइज्जती करता था मजाक बनाता था उनका इस जंगल के जीव बहुत सीधे हैं गीदड़ क्या बोलता है कि इस जंगल के जीव बहुत सीधे हैं मैं बहुत चतुर हूँ वो सबको बोलता था इस जंगल के सारे जानवर जो हैं वो बहुत सीधे हैं सिर्फ मैं ही एक चालाक हूँ फिर से गीदड़ बोलता है यह जीव बहुत अद्भुत है यह जीव मतलब कि ऊँट को देख के गीदड़ बोलता है कि यह जीव जो है वो बहुत अनोखा है इसकी गर्दन मुंह और पैर क्या है बड़ा है इसकी गर्दन मुंह और पैर बड़े हैं इसकी और पूंछ कान और आंखें क्या है छोटे छोटे हैं ठीक है ठीके? मैं इसका मजाक उड़ाऊंगा उसने सोचा कि अब मैं क्या करूंगा इसका ऊँट का मजाक उड़ाऊंगा ऊँट के पास जाकर गीदड़ बोला क्या बोलता है गीदड़ मामा सब कुछ ठीक तो है ना आप सूखी घास क्यों चढ़ रहे हैं उससे पूछता है वो ऊँट से कि मामा सब कुछ ठीक तो है ना आप सूखी घास क्यों चढ़ रहे हैं अब ऊँट बताता है भांजे कहाँ कुशल है मेरा स्वामी मुझे भरपेट भोजन नहीं देता है वो बोलता है भांजे कहाँ ठीक है कुशल मतलब कहाँ ठीक है मेरा स्वामी मुझे भरपेट भोजन नहीं देता है स्वामी मतलब कि मेरा जो मालिक है वो मुझे पेट भरकर खाना नहीं देता है मैं भूखा रहता हूँ क्या करूँ वो गीदड़ से पूछता है कि मैं भूखा रहता हूँ तो मैं अब क्या करूँ गीदड़ ने सोचा कि यह बहुत मूर्ख है यह मेरी तरह चतुर नहीं है गीदड़ ने क्या सोचा कि ये ऊंट जो है वो बहुत मूर्ख है बेवकूफ है मेरी तरह चालाक नहीं है अब गीदड़ क्या बोलता है मामा चिंता मत कीजिए आइए नदी की दूसरी तरफ टमाटर खरबूजा और खीरे से खेत सजे हैं बोलता है कि आप चिंता मत करो मेरे साथ आओ नदी की दूसरी तरफ क्या है टमाटर खरबूजा और खीरे से खेत सजे हैं मतलब टमाटर खरबूजा और खीरे के खेत हैं वहां पे बहुत सारे लगे हुए हैं हम वहाँ चलते हैं और वहाँ जाके खाएंगे उन्हें ठीक है और हमारा पेट भी भर जाएगा ऊँट प्रसन्न होकर गीदड़ के साथ चल दिया ऊँट बहुत खुश हो गया क्योंकि उसको लगा कि अब उसका पेट भर जाएगा इसलिए वो गीदड़ के साथ अब चल दिया नदी के पास जाकर गीदड़ बोला जब ये नदी के दोनों पास पहुँचते हैं तो गीदड़ क्या बोलता है इसको नदी पार करने के लिए मुझे आपकी पीठ पर सवार होना पड़ेगा गीदड़ ने बोला कि नदी अगर हमें पार करनी है तो मुझे आपकी पीठ पर चढ़ना पड़ेगा तभी हम नदी पार कर सकेंगे तो गीदड़ ऊँट की पीठ पर सवार हो गया गीदड़ क्या करता है ऊँट की पीठ पर चढ़ जाता है रात भर दोनों वहीं रहे रात भर दोनों वहीं रहते हैं जैसे ही सुबह होती है तो गीदड़ क्या बोलता है मामा इस समय कृषक यहाँ नहीं है कृषक हम बोलते हैं किसान को ठीक है वो बोलता है मामा इस समय अभी यहाँ पे किसान नहीं है उसका घर भी दूर है अब बिना चिंता के ककड़ी टमाटर और खरबूजा खाया जाए वो बोलता है कि अब चिंता करें बिना ही ककड़ी टमाटर और खरबूजा सब खा लेते हैं हम ठीक है ऊँट ने प्रसन्न होकर खाना शुरू किया उसका पेट बड़ा था परंतु गीदड़ का पेट छोटा था ऊँट ने खुश होकर क्या किया खाना शुरू किया लेकिन उसका पेट क्या था बड़ा था इसलिए उसका पेट अभी भरा नहीं था पर गीदर का पेट कैसा था गीदड़ का पेट छोटा था इसलिए उसका पेट जल्दी भर गया उसकी भूख शीघ्र ही शांत हो गई शीघ्र मतलब जल्दी ही उसकी भूख शांत हो गई किसकी गीदड़ की क्योंकि उसका पेट कैसा था छोटा था तो आई होप आप लोगों को ये दो पेज अच्छे से समझ में आ गए होंगे नाउ रिपीट आफ्टर मी किसी जंगल में एक गीदड़ रहता था वह बहुत ध्रुत था वह स्वयं को बहुत चतुर समझकर दूसरों का उपहास करता था इस जंगल के जीव बहुत सीधे हैं। मैं बहुत चतुर हूं यह जीव बहुत अद्भुत है इसकी गर्दन मुंह पैर बड़ा है पूंछ कान और आंखें छोटी है मैं इसका मजाक उड़ाऊंगा ऊंट के पास जाकर गीदड़ बोला अब गीदड़ क्या बोलता है मामा सब कुछ ठीक तो है ना आप सूखी घास क्यों चर रहे हैं अब ऊंट क्या बोलता है भांजे कहाँ कुशल है मेरा स्वामी मुझे भरपेट भोजन नहीं देता है मैं भूखा रहता हूं क्या करूं गीदड़ ने सोचा कि यह मूर्ख यह बहुत मूर्ख है मेरी तरह चतुर नहीं है अब गिदड़ क्या बोलता है मामा चिंता मत कीजिए आइए नदी की दूसरी तरफ टमाटर खरबूजा और खीरे से खेत सजे हैं वहां आनंद से खाया जाएगा ऊंट प्रसन्न होकर गीदड़ के साथ चल दिया नदी के पास जाकर गीदड़ बोला नदी पार करने के लिए मुझे आपकी पीठ पर सवार होना पड़ेगा गीदड़ ऊंट की पीठ पर सवार हो गया रात भर दोनों वहीं रहे जब सुबह हुई तो गीदड़ ने कहा मामा इस समय कृषक यहां नहीं है उसका घर भी दूर है अब बिना चिंता की ककड़ी टमाटर और खरबूजा खाया जाए ऊंट ने प्रसन्न होकर खाना शुरू किया उसका पेट बड़ा था परंतु गीदड़ का पेट छोटा था उसकी भूख शीघ्र ही शांत हो गई सो आज हमने ये दो पेज कंप्लीट कर लिए हैं आई होप आप लोगों को ये स्टोरी यहां तक अच्छे से समझ में आ गई होगी सो so, आपको घर पे भी इन दो पेज़ की अच्छे से रीडिंग करनी है और अगर कुछ समझ में ना आए तो आपको मुझसे पूछना है ओके चिल्ड्रन दैट्स ऑल फॉर टूडेज़ क्लास विल कंटिन्यू दिस टॉपिक इन आर नेक्स्ट क्लास टिल देन बाय टेक केयर